लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं और बहुत बारी हम जिससे बात करते हैं वो हमें बहुत डराते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा सारे हेलो एवरीवन

लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं और बहुत बारी हम जिससे बात करते हैं वो हमें बहुत डराते हैं कि ऐसा हो वैसा हो जाएगा जाएगा वैसा सारे के सारे क्वेश्चन आपने जो जो दिमाग में क्वेश्चन होंगे उन सबका आंसर दूंगा टिक्स के लिए क्या करना है नहलाना कैसे है और टिक्स के लिए एंटेटिक पाउडर कैसे यूज करना है या एंटेटिक कॉलर आते हैं वो भी कैसे और टिक्स होने की वजह क्या होती है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस ना करें बेल का बटन जरूर ऑन कीजिएगा और मेरे को इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार चाहिए आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए वो लाइक अगर आप करेंगे इस वीडियो को तो वो डेफिनेटली मुझे क्लियरली पता लग जाएगा और आप नए किस टॉपिक पे डॉग पे डॉग टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो बताइएगा आज मैं ये बताऊंगा सबसे पहले कि जब हम पेप पप लेके आते हैं नया पेट लेके आते हैं तो उसको अक्सर टिक्स होते हैं किसी को कम होते हैं किसी को ज्यादा होते हैं बट नाइनटी नाइन टिक्स होते हैं थोड़े बहुत होते हैं खास करके जब विंटर्स है सर्दियां हैं तब टिक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और टिक्स होने का रीजन रहता है अक्सर सर्दियों में जो ब्रीडर्स हैं वो पराली में डॉग को रखते हैं पराली इज द ड्राई ग्रास वो बिल्कुल ड्राई लंबा लंबा घास होता है उसके बीच में रखते हैं बिकॉज वो बहुत बहुत होता है बहुत कोजी सा होता है तो पपीज को ठंड लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब वो बच्चे फॉर बेबीज उसमें ग्रास में शिशु करते हैं तो वहां पे ये फ्लीज वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो जो टिक्स एंड फ्लीज है या लीज है वो इनके बालों में छुप जाते हैं अलग अलग अच्छा नहीं ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं पॉज के नीचे हो सकते हैं अंडर आर्म्स हो सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम आपको पप दें कोई भी ब्रीडर आपको पप दे तो वो जो बेबी है उस समय उसको नहलाने के बाद दें लेकिन नहलाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज कर सकते हैं छोटे बेबी के लिए उसको नॉर्मल एंटेटिक शैम्पू से नहला सकते हैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एंटेटिक शैम्पू में ये, ये नोटिक्स शैम्पू है इसके अलावा माईशूटिक्स भी आता है और भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं बट मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अगर आप एंटेटिक शैम्पू से नहलाते हैं करना क्या है फॉर बेबी को कैसे नहलाना सेम उसी तरीके से जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल रखा है शॉर्ट में बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इंटरेस्ट नहीं खत्म होना चाहिए ये एंटेटिक शैम्पू है ये पर्टिकुलर उस पर्पज के लिए है कि अगर हमारे डॉग को टिक्स हो रखे हैं फ्लीज हो रखी हैं लीस हो रखी हैं तो अगर हम इसे पानी में डिल्यूट करके इसे अगर ये बच्चे को नहलाना है मैंने तो अप्रॉक्स आई टेक टू हंड्रेड एम एल वाटर टू हंड्रेड एम एल वाटर में शैम्पू डाल के इसको हिलाएंगे झाग बन जाएगी उसको स्पॉन्ज के साथ या लूफा के साथ पूरी बॉडी पे कवर करेंगे कान के अंदर नहीं लगाएंगे कान के बाहर यूं ओके चुटकी ये लो 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 खाओ ना खाओ ना शो ना खाओ कान के अंदर नहीं लगाएंगे कान के बाहर वाली साइड चेस्ट पे अंडर आर्म्स में बॉडी का कोई भी पार्ट इंक्लूडिंग टेल एंड स्टूल पॉइंट कुछ भी रहना नहीं चाहिए पूरी बॉडी को कवर करेंगे जब हम ये अच्छे से लगाएंगे लगाने के बाद थ्री टू फाइव मिनट्स इसे रहने देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम शैंपू लगाएंगे उसको हम गर्म पानी में मिक्स करके लगाएंगे बिल्कुल उबलते पानी में नहीं बट जैसे पानी से हम लोग नहाते हैं खास करके विंटर्स में जैसी मैं बात कर रहा करूं शैम्पू को पानी में डिल्यूट करना है, के साथ लगाना है कुछ थोड़ी वो और बचेंगी भी तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वो निकल जाएंगी उसको अच्छे से नहलाइए वही पानी डालिए बकेट से मसाज कीजिए शैम्पू वाला पानी जाना बंद हो जाए उसको टॉल से अच्छे से ड्राई कर लीजिए उसके बाद में ड्रायर से सुखा लीजिए डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था जब हमें यह क्लियर हो जाए कि हमारा जो फर बेबी है वो अच्छे से सूख गया वो हंड्रेड परसेंट सूख गया सूखने के बाद में हम उसे ये एंटीटिक पाउडर लगाएंगे आप नोटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा पेट क्लीन भी आता है बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के आते हैं मैं बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है इस प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो की कि मेरे पास में सारा उस सब चीज़ के लिए टाइम बहुत शॉर्ट था एंटेटिक पाउडर है कैसे यूज करना मैं आपको बताने लगा हूं इस बेबी को ही लगा के बताऊंगा बिकॉज ओके चुटकी ओके okay, चुटकी ये जो चुटकी है ये बहुत एक्टिव है आप देख सकते हैं जब ये नए घर जाएगी तो ऐसा नहीं है कि ये बैठी रहेगी ये बहुत मस्ती करने वाली शरारते करने वाली अच्छा शरारती बच्चे ये लो ले लो ये लो एक और ले लो एक और ले लो इसको सिंपली हमने ऊपर से खोल लिया इसके ऊपर होल होते हैं आप देखेंगे उसको होल को खोल लिया और इसको जो हमने शैम्पू पाउडर लगाना है ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर फेंक देंगे इसको पकड़ा हल्का सा रूट के बीच में डाला हल्का सा डाला जैसे आपको दिख रहा होगा उसकी डस्टिंग करती ये देखिए यहाँ पे मैंने पाउडर डाला है इस पार्ट पे और मेरी कोशिश है एक एक दो दो इंच के गैप पे हल्का हल्का पाउडर डाल दो राइट एग्जांपल दे रहा हूँ हल्का हल्का पाउडर डालना है फिर ईयर के पीछे पाउडर डालेंगे दूसरे ईयर के पीछे पाउडर डालेंगे ईयर के अंदर पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है जो नेक चेस्ट पार्ट है इस पर पाउडर लगाएंगे हल्का हल्का डस्टिंग करनी है बहुत ज्यादा नहीं ओवर करना जरूरत नहीं है अंडर आर्म्स में करेंगे इसको आप लिटा सकते हैं छुटकी को अच्छे से लिटा के चेस्ट के चेस्ट आगे रब करते रहिए और इसको हल्का हल्का पाउडर डाल दिया इसके यूरिन यूरिनल पॉइंट के पास लगा दिया पूप पॉइंट के पास लगा दिया जिससे इसकी टेल में भी पूरे में हो जाए इसका अच्छे से असर हो जाए अब देखिए अब मैंने इसको रिब्स वगैरह भी कवर कर ली हल्का हल्का पाउडर लगा के इसको मैंने हाथ से मल दिया ताकि वो अच्छे से इक्वली स्प्रेड हो जाए और लगाया कहा बाल हटा के अगर ऊपर ऊपर डालेंगे वो ऊपर ऊपर रह जाएगा रूट तक नहीं पहुंचेगा इंपॉर्टेंट क्या है रूट तक पहुंचना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टिक्स फ्लीज है वो रूट से उठते हैं और टिक्स ऐसा नहीं है कहीं बाहर से आ रहे हैं वो जो डस्ट के साथ लगे हुए हैं उसकी बॉडी पे हैच करते रहेंगे है। एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा आज अगर दस है तो कल वो पचास हो सकते हैं परसों सौ हो सकते हैं बट वरी करने की बात नहीं है चाहे वो टिक्स फ्लीज लीज कुछ भी है ओके ओके okay, क्या बात है वीडियो बना ले? वीडियो वो देखो, बना रहे आपको अच्छे से मैंने फ्रंट टू बैक किया ताकि जो हाथ से मैंने स्प्रेड किया था अगर वो कहीं कुछ रहता भी है तो भी वो मिक्स हो जाए फिर बैक टू फ्रंट कर दिया फिर फ्रंट टू बैक कर दिया अगेन और एक मिनट के लिए कॉम्बिंग कर दी यर्स के पीछे हर जगह पे जो टिक्स फ्लीज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा मजा किस चीज़ का है जो एंड जो हमने एंटीटिक शैम्पू यूज किया उससे अगर कुछ थोड़े बहुत टिक्स फ्लीज लीज कुछ भी एनी फॉर्म वो रह जाएगी तो जो एंटीटिक पाउडर है वो उसको हंड्रेड खत्म कर देगा एक दिन यूज किया अल्टरनेट डे पे फिर आप यूज कर सकते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन द दिटी ऑफ टिक्स एंड फ्लीज एंड लीज जो भी है लेकिन ये लगाना बहुत जरूरी है अगर टिक्स है फ्लीज है कोई बड़ी बात नहीं है हो जाते हैं लेकिन पैनिक नहीं होना और बच्चे को जितना जल्दी और जो बड़े वाले दिखे आपको उसको निकालिए हाथ से निकाल लीजिए निकाल के फर्श पे रखिए उसको पत्थर से मार दीजिए उसको छोड़ना नहीं है अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो फिर से डॉग के ऊपर चढ़ जाएगा बिकॉज वो स्मेल लेते हैं डॉग की बॉडी से रेज ऐसी निकलती है जो टिक्स को अट्रैक्ट करती है तो इट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम डॉग को नहलाएं तो एंटीटिक पाउडर से नहलाएं जब वो छोटा है फिर उसको एंटेटिक पाउडर अप्लाई कर दें और उसकी ब्रशिंग डेली ट्वाइस डे करें सो so दैट अगर कुछ भी आपको टिक्स वगैरह दिखते हैं तो वो आप क्लीन कर दें फ्रेंड्स इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं ताकि हमारे डॉग्स को टिक्स ना आए कम से कम आए उसके लिए एंटीटिक पाउडर आता है एंटीटिक कॉलर आता है प्लस ये देखिए ये मैं आपको दो अलग अलग एंटीटिक कॉलर बता रहा हूँ ये है बायर का एंटेटिक कॉलर स्ट्रॉन्ग है और ये है बायोलिन का दोनों बहुत अच्छे हैं ये हर्बल में है और ये विद केमिकल्स है, और आप अपने बच्चों को लगा सकते हैं बट वो अराउंड वीक्स प्लस हो, तो आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं एक और चीज बच्चे को फ्रेश वाटर जरूर प्रोवाइड करना है बच्चे को जब आपने डस्टिंग की मेक श्योर sure उसका जो फेस है वो क्लियर रहे फेस के ऊपर आपने पाउडर नहीं लगाना सो so दैट वो सफोकेटेड ना फील करे आ, ये जो वीडियो बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था उन सब दोस्तों के लिए जिन लोगों के घर में पेट्स हैं और उनको ये टिक्स की प्रॉब्लम है या उन्हें लगता है कि तो। हो सकती है तो आप ये प्रिकॉशनरी भी यूज कर सकते हैं जो एंटीटिक पाउडर है शैम्पू लगाने की जरूरत तभी है जब उन्हें टिक्स हो डियर फ्रेंड्स मैं जानता हूं आप अपने फर बेबी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी आपके और अपने सबके फर बेबी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि ये हमारी जिंदगी में खुशी का एक बहुत बड़ा साधन रहते हैं और आप सबकी फैसिलिटी के लिए क्योंकि आप सबकी डिमांड थी कि सर जो आप चीज़ गाइड करते हैं वीडियो में उसको अवेलेबिलिटी कहाँ पे है वो बताएं तो ये जो चीज़ है ये अवेलेबल है मेरे डोगोमार्ट डॉट कॉम पर ये मेरा अपना पर्सनल ब्रांड है डोगोमार्ट डॉट कॉम उस पर आके आप ये सारी की सारी चीज़ अवेल कर सकते हैं चाहे वो एंटेटिक शैम्पू है चाहे वो एंटेटिक पाउडर है स्लीकर है ब्रश है एंटेटिक कॉलर है और हमारी गाइडलाइंस है ये सारी चीज़ जो है डोगोमार्ट डॉट कॉम पर अवेलेबल है और आप इस पर आइए एक्सप्लोर कीजिए बहुत सारी अच्छी एक्साइटिंग ऑफर्स भी आप सबके लिए हैं तो यू कैन ट्रस्ट मी अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप डॉगोमाट डॉट कॉम पे ट्रस्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच आई होप ये जो वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस बिटिया को ब्लैसिंग नहीं दी हुई तो जरूर दीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिस ना करें दया करेंगे मुझ पे आप पे इस छोटकी सी गुगली पे से गुगली से बाय लव यू ऑल बाय बाय